दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं एक प्रेस यानी कि एक आयरन जो कि हमने अमेजोन से परचेस की है, फिलिप्स कंपनी है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या हमको मल्टीपल फंक्शंस मिलने वाले हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बेकार है, पर हमारे लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। ऊपर से देखने से फर्क नहीं पड़ता, अंदर देखते हैं क्या चीजें मिलती हैं हमको। दिस इज अ मैनुअल, इसके अंदर आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएगी, कौन से कपड़े पर कितने टेम्परेचर पर आपको इस मशीन का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद आपको कुछ अलग अलग फंक्शन भी मिलते हैं इसका इस्तेमाल अगर होगा तो लास्ट में देखेंगे। एंड हमको मिल जाती है हमारी एक ये आयरन एंड प्रेस दोस्तों, ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, और लुक इसका काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर हमको जो सबसे पहला फंक्शन दिखाई दिया वो ये है कि यहाँ से आपकी लीड के कतरने का कोई भी चांसेस नहीं है, आप जिधर चाहें उधर इसको रोटेट कर सकते हैं और आराम से मूवमेंट इसका कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक ब्रेडेड केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और साथ में 3 प्लग भी आपको साथ में लगा हुआ मिलता है। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग प्रेस की ज़्यादा डिटेल में जाएं, एक बार डब्बे को गौर से देख लें कि कितना प्राइस एंड एमआरपी वगैरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज के ऊपर चलने वाली है, 2000 वॉट की आपको ये प्रेस मिलेगी, और इसका एमआरपी पड़ा हुआ है 2995 रुपये। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, फिलिप्स कंपनी की है, यहाँ पर से आप कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, हर जगह पर टेप लगा हुआ है, और फ्रंट में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कॉन्टीन्यूस स्टीम बोल रहे हैं यहाँ पर, 100 ग्राम स्टीम बूस्ट होगा, और गोल्डन अमेरिकन हेरिटेज सोल प्लेट भी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव बैक टू द आयरन। दोस्तों इसके कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने आज तक जो भी आयरन्स वगैरह देखे होंगे उसके अंदर आपको डायरेक्ट एक प्रेस करने की चीज मिल जाती है कि भाई इसको गर्म करेंगे इसके अंदर फ्लगमेंट होगा, मतलब एक एलिमेंट होगा जो कि हीट होता है और उससे कि हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। पर इसके अंदर आपको फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है जिसके अंदर आप पानी भर सकते हैं, टंकी लगी हुई है यहाँ पर से, इसके अंदर आप पानी भरेंगे उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, और इस बटन को दबाकर आप होली भी खेल सकते हैं, यानी कि यहाँ से पानी बाहर आएगा। और दूसरा बटन जो यहाँ पर लगा हुआ है इससे आप फुब्बारा भी मार सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो पोर्स देख रहे हो इनसे थोड़ा थोड़ा वाटर लीक होगा जब आप प्रेस कर रहे होगे, क्योंकि अब आपको ऐसे करके लोटे में हाथ डालकर छिड़कने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है भाई साहब। तो इसको जब आप प्रेस करोगे तो कपड़े के ऊपर पानी गिराता हुआ चलेगा, आप आराम से इसको आयरन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग मोड मिल जाएगा कि भाई कौन से कपड़े के ऊपर आप आयरन करना चाहते हैं, नायलॉन, सिल्क, वूल, कॉटन, और अलग अलग भी हैं। साउंड एक बार सुनिए, पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी है दोस्तों। यहाँ पर लुक में तो मुझको ये काफ़ी प्यारी चीज़ लगी, और यहाँ पर जो है कॉपर प्लेटें लग रही है, मेटालिक है, यस ऑफ कोर्स मेटालिक है। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके साथ थोड़ी खुराफात की जाए। कपड़े वाले भाई कपड़े लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ चुकी है एक ये क्लोथ है जो कि आई थी फेसबुक की तरफ से, तो यहाँ पर इसको भी रख लेते हैं, और ये हमारे पास तौलिया, इससे हम मुँह वगैरह साफ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी प्रेस लगा कर देखेंगे, साइड में रख लेते हैं इसको भी। तो बोर्ड्स वगैरह मेरे सारे के सारे कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर हमने इसको जस्ट प्लग इन कर दिया। दोस्तों प्लग इन करने के जस्ट बाद ध्यान रहे दोस्तों इसको नीचे से नहीं पकड़ना, आपको दिखाने चक्कर में हम पकड़ लेते, तो यहाँ पर एक लाइट इंडिकेट करेगी कि भाई ये जो प्रेस है जल चुकी है, शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे रही हो पर यहाँ पर एक लाइट जलती है, और अभी इसने ऑटो कट कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अपनी शर्ट टी शर्ट के ऊपर प्रेस लगवानी हो तो हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें, हम भी आपके कपड़ों के ऊपर प्रेस लगा देंगे। खैर दोस्तों ये कपड़ा भी काफ़ी गर्म हो चुका, अब अगर मुझे पानी डाल डालकर इस्त्री करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, इसे पानी उठाएंगे? आप लोगों ने काफ़ी जगह पर देखा होगा कि इसे निकाला, कपड़े के ऊपर डालते हैं फिर इसके ऊपर फिर प्रेस लगाते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, पर इस मशीन के अंदर कुछ अलग सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो पोर्ट मिलता है इसको हम ओपन कर दिया, इसके अंदर अब हम पानी फिल करेंगे। मार्क से ज़्यादा पानी नहीं फिल करना है, याद रखिएगा, यहाँ से पानी निकलेगा इस बटन से, आप लोग देख सकते हैं स्प्रे टाइप का, तो भी मैंने बोला था कि आप लोग होली खेल सकते हो दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास आ जाता है दूसरा पावर बटन जो कि नीचे से, अभी हीट नहीं हुआ शायद इस वजह से नहीं निकल रहा, लुक एट द साउंड, शायद आप लोग ये भाप वगैरह देख पा रहे होंगे और क्या साउंड कर रहा है एक बार फिर से सुनिए।
दोस्तों यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिल जाता है कि कितनी भाप निकलनी चाहिए कितनी नहीं निकलनी चाहिए, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ये मशीन आपकी डिसाइड कर लेगी कि भाई भाप ज़्यादा निकलनी चाहिए या कम निकलनी चाहिए। ध्यान रखिएगा भाई इसमें हाथ ना टच हो जाए, पहले से हम इंजर्ड हैं और ज़्यादा इंजरी हो जाएगी तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो भाई इस कपड़े का भी हमने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, उसको भी हटा देते हैं। और अब बारी आती है ऐसे कपड़ों की, हुडीज़ वगैरह। अभी फिलहाल गर्मी चल रही है और गर्मी में हाल बिल्कुल बेहाल हो चुका है, तो इसके ऊपर भी अगर आप आयरन करना चाहें, वैसे तो आयरन हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, बिना पानी की ज़रूरत के भी कर सकते हैं, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लेजर हो गया, कोट हो गया, शेरवानी हो गई, उसके ऊपर थोड़ा सा भाप डालना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए ही ये फंक्शन आपको इस आयरन के अंदर आपको ये फंक्शन मिलता है। दोस्तों आयरन को काफ़ी टाइम इस्तेमाल करने के बाद हमको ये बात पता चली कि भाई इसके अंदर पानी भरा जाएगा, ये तो बात पहले से कन्फर्म थी, पर इसके अंदर मैकेनिक सिस्टम है, मतलब कि आप जो बटन दबाओगे तो चाइल्ड लाइट कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, पानी यहाँ से निकलना स्वाभाविक है। आई डोंट नो कि आपको हम कैमरे में ये चीज़ दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा पा रहे हैं, पर अभी इसमें से फुब्बारा निकल रहा है और पानी का स्प्रे कंटिन्यूसली निकल सकता है। तो और जो दूसरा आपको बटन मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ से भाप निकलती है, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो नीचे से पूरा मैकेनिज्म निकलता है, नीचे से पूरी स्टीम निकलती है, और स्टीम आपकी तभी निकलेगी जब आपकी ये मशीन गर्म हो जाएगी, जब थोड़ा सा इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा होगा वो हीट होगा, और हीट होने के बाद इसका भी थोड़ा सा यूज़ होता है कि भाप आपको कितने परसेंट निकालें, 25 ग्राम, 100 ग्राम, तो इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है। और यहाँ से आप हीट कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आपकी मशीन, आपका जो आयरन है कितना हीट होना चाहिए, मिनिमम के ऊपर ही लगाकर भाई हमने इसका इस्तेमाल किया और सारे के सारे कपड़े हमने वैसे ही प्रेस किया, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेने का। और इस आयरन के अंदर आपको ऑटो कट भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर एक इंडिकेशन वाली लाइट लगी हुई है जो कि आपको दिखाता है कि भाई पावर जल रहा है नहीं जल रहा है, आयरन चल रही है या नहीं चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ से जो पानी निकलता है इसको मैं हाथ पर स्प्रे कर सकता हूँ, पर जो नीचे से पानी निकलता है उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक स्टीम होती है और काफ़ी गर्म पानी निकलता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इंजरी हो जाए। बाकी दोस्तों इस आयरन के अंदर ये जो फंक्शन है यहाँ पर का, ये भी काफ़ी यूजफुल रहा। बाकी और जो आयरन होती है सस्ती वाली जिसके अंदर ये फंक्शन नहीं होता, वहाँ पर हो सकता है यहाँ से केबल कतर जाए, कभी प्लग के पास से केबल कतर जाती है, पर यहाँ पर आपको केबल के अंदर कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। और ओवरऑल ये जो आयरन है ये यूजफुल रहेगी। पर दोस्तों मेरे लिए, मैं अपने बारे में बात करूं तो ये जो स्प्रे है ये तो हो सकता है मैं कभी कभार यूज़ कर लूं, पर ये जो स्टीम वाला है ये आई थिंक थोड़ा सा डेंजरस रहेगा, मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। अगर आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो या फिर इस आयरन को परचेस करने के बाद करोगे तो फिर हमको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस मशीन को यानी कि इस आयरन को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप सुटेबल प्राइस पर इस चीज़ को परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब। फेसबुक को देख रहे हो तो पेज को फॉलो भी कर देना और लाइक भी कर देना।